सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा ग्राहकों को ऑनलाइन बिजली बिल भरने के साथ साथ कैशलेस पेमेंट की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार निगम की वेबसाइट के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट से भी बिजली बिलों की अदायगी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से बिजली बिलों की अदायगी करने के साथ साथ बिजली कनेक्शन सेंटरों पर स्वाइप मशीन उपलब्ध करवाई गई है, जिस पर वीजा कार्ड के माध्यम से भी बिजली बिल की अदायगी की जा सकती है। इसके साथ साथ कई निजी पर भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जहां ग्राहकों को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। इससे पहले लोग ऑनलाइन ही बिजली का बिल भर सकते थे या लाइनों में लगकर बिल भरना पड़ता था। नोटबंदी के दौरान कई जगहों पर स्वाइप मशीन रखी गई थी, मगर अब इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। बिजली विभाग के दफ्तर में यह सिस्टम लागू होने से कैश काउंटरों पर भीड़ ना के बराबर हो गई है, जिससे विभाग व लोगों को काफी फायदा हो रहा है। ये लाइन में लगने से बढ़िया है कि अपना स्वैप करके जल्दी पेमेंट होती है, अगर वही कैश लेके आओ या लाइन में लग के जमा कराओ। इससे एक तो कैश जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा अपना स्वैप करके जो है ना बिल की पेमेंट जमा इजीली हो सकती है। बहुत फायदा है जी आपको, हमारे को कि लाइनों में नहीं लगना पड़ता एक तो, और अपना इसका बिजली विभाग ने हमारे फायदे के लिए लगाई है और लाइनों में नहीं लगना पड़ता, और आओ और अपना स्वैप मशीन से अपना बिल भरो। पे वाले से भी लिया गया है, वो अपने काउंटर पे भी कैशियर हमारे पास आता है, उन्होंने बाजार में भी अपने रिटेलर स्थापित किए, डिफरेंट दुकानों पे उन्होंने अपना स्वाइप मशीन रख दी है, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कंज्यूमर से कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, जितने का बिल है उतना ही लिया जाएगा, उनसे लिया जा रहा है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, RTGS, NEFT, हारको बैंक में भी ले रहे हैं पंचकुला में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की सुविधा के लिए, कैशलेस के लिए, दोनों के लिए इसको सुविधा को आगे बढ़ाया गया। सर क्या कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं? अभी स्टार्टिंग स्टेज में थोड़ी बहुत कहीं कहीं से तकलीफें मिल रही हैं, पर्टिकुलरली रूरल एरिया में आ रहे हैं, उसकी तरह हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि वहाँ पे हम अपने रिटेलर और भी बढ़ा दें। रूरल एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि कैशियर जो हमको भेजने थे, ई पे वाले को ये दिया गया अब कॉन्ट्रैक्ट रूरल में कैश कलेक्ट करने का, तो अब थ्रू रिटेलर भी, वैसे तो अटल सेवा केंद्र में भी आप पैसा जमा करा सकते हैं कोई भी। अंबाला से राजीव कोचर, न्यूज 18। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।